मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेडी हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लोबेटा जीएम क्रीम के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम इसे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, जानेंगे आज की इसे किस तरह से यूज करना है, क्या है इसके साइड इफेक्ट और यह किस प्राइस पे आपको मिल जाएगा, यह सब डिटेल आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका दोस्त नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल मेडी हिंदी में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह दोस्तों क्लोबेटा जीएम क्रीम, तो सबसे पहले जानते हैं कि यह किन किन चीज़ों में काम करता है। तो दोस्तों यह काम करता है एंटी फंगल में, एंटी बैक्टीरियल में, एंटी इंफ्लेमेटरी में, साथ ही दोस्तों यह एस्ट्रिंजेंट में काम करता है, यानी कि दोस्तों यह दांत खाज खुजली फोड़े पुंसी या किसी भी प्रकार के हमारे शरीर में होने वाले चर्म रोग के लिए काफ़ी अच्छा क्रीम है। इसे डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं इन सभी चर्म रोग के लिए। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें मिला हुआ है क्लोबेटासोल प्रोपाइनेट, साथ ही दोस्तों इसमें है नियोमाइसिन सल्फेट, साथ ही दोस्तों माइकोनाजोल नाइट्रेट है, जिंक है, बोरैक्स है, यह सब इसके इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के चर्म रोग के लिए काफ़ी अच्छा है। यह दोस्तों हमारे शरीर में होने वाले चर्म रोग, दांत खाज खुजली, जांग के बीच में होने वाले इन्फेक्शन, घमोरियाँ और भी बहुत सारे चर्म रोग है जैसे कि सीला और बेमची, इन सभी चीज़ों में यह काम करता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि क्या हम इसे अपने चेहरे पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं या आप गोरा होना चाहते हैं तो आप इस क्रीम को यूज ना करें। उसके लिए बहुत सारे मेडिकल स्टोर में आपको दवाइयाँ मिल जाएगी, लेकिन क्लोबेटा जीएम को आप अपने स्किन को गोरा करने के लिए यूज नहीं कर सकते। यदि आपके चेहरे में किसी भी प्रकार का चर्म रोग जैसे कि दांत खाज खुजली फोड़े फुंसी या फिर किसी भी प्रकार का खुजली है आपके चेहरे में तो आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप गोरा होने के लिए इस क्रीम को यूज करना चाहते हैं तो यह क्रीम गोरा करने के लिए नहीं है। यह केवल आपके फंगल इन्फेक्शन, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इन सभी चीज़ों में काम करेगा। दांत खाज खुजली, जांग के बीच में होने वाली खुजली, पसीने के कारण होने वाली खुजली, इन सभी चीज़ों में यह अच्छे से काम करेगा, लेकिन चेहरे के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते गोरा होने के लिए। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट यह है कि इसे लगाने से आपको उल्टा खुजली हो सकता है या फिर आपके जहाँ पे इसे यूज किया है वहाँ पे लाल हो जाएगा। इसे यही बस इसके साइड इफ़ेक्ट है और कुछ भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों अगर इसके MRP रेट की बात करें तो यह आपको मिल जाएगा 46 रुपये में, जो कि 10 ग्राम के पैक में अवेलेबल है मार्केट में, 46 रुपये में आपको मिल जाएगा। हो सकता है दोस्तों कोई भी मेडिकल स्टोर में यह आपको कम कीमत में मिल जाए, लेकिन इसका MRP रेट 46 रुपये है, तो 46 रुपये में ही इसको आप बाय करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और कुछ भी मन में बात है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।